अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर नंबर 14 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पांडास को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने नंपाई को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि नंपाइज को यूज़ करते हुए अरेज को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से अरे को क्रिएट करते हैं, अरे के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और एट द एंड हमने ये देखा था कि अरे की सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं और अरे की डायमेंशन किस तरह से हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और दो अरेज या दो से ज्यादा अरेज को किस तरह से हम मैनिपुलेट आपस में करते हैं। तो आज की क्लास में हम पांडास को डिस्कस करेंगे। पांडास भी एक लाइब्रेरी है, दैट इज स्टैंड्स फॉर पाइथन डाटा एनालिसिस। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पाइथन डाटा एनालिसिस का मतलब है कि हमारे पास पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हुए अगर हमने कुछ डाटा की एनालिसिस करने हो, वो डाटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, वो डाटा हमारे पास किसी डिक्शनरी की फॉर्म में हो सकता है, वो डाटा हमारे पास किसी लिस्ट की फॉर्म में हो सकता है, अरे की फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हमने किसी भी तरह के टेबुलर डाटा के या लिस्ट या अरेज या डिक्शनरीज की फॉर्म के डाटा के कुछ एनालिसिस करने हो, तो उसको यूज करने के लिए हम पाइथन डाटा एनालिसिस यानी पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो पांडास लाइब्रेरी हमें डिफरेंट तरह के ऑपरेशन प्रोवाइड करती है, डिफरेंट तरह के फंक्शन प्रोवाइड करती है, जिसको यूज करते हुए हम डाटा रैंगलिंग कर सकते हैं। डाटा रैंगलिंग मीन्स कि अपनी मर्जी कि कोई भी क्यूरी लगाकर हम डाटा के अंदर से स्पेसिफिक डाटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डाटा के कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि हम डाटा के अंदर से कुछ छुपी हुई इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स निकाल सकते हैं जो हमें इन फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे काम हम पांडास लाइब्रेरी को यूज करते हुए कर सकते हैं। तो गिटहब पे चलते हैं और देखते हैं कि पांडास लाइब्रेरी को हम किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से उसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसको यूज करते हुए हम किस तरह से अपने काम को मजीद आसान बना सकते हैं। जी, तो मेरे पास यहाँ पर जो स्टेप है गिटहब का, वो है स्टेप नंबर 13, और इसमें आप देख सकते हैं इसका नाम है डाटा रैंगलिंग यूजिंग पांडास। तो हमने इस स्टेप को कवर करना है, तो मैं अपने स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक नोटबुक होगी पांडास IPYNB के नाम से, तो मैं इस नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर हमारी तमाम तर कोडिंग एग्जांपल्स हैं जो हम इंशाल्लाह आज के क्लास में कवर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पांडा के पाइथन डाटा एनालिसिस जो लाइब्रेरी है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये हमने इसको एक नज़र थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लिया, और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन हम किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने नंपाई की इंस्टॉलेशन की थी, आपने स्ट्रीमलिट की इंस्टॉलेशन की थी, इसी तरह से इसकी इंस्टॉलेशन भी आप पिप इंस्टॉल पांडास की कमांड को यूज करते हुए करेंगे। अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इस तरह आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर ये आपके पास इंस्टॉल है तो आप इसको एक दफा चेक कर लेंगे, पिप शो पांडास लिखकर आप जुपिटर पर चेक कर लेंगे। अगर आपके पास पांडास से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन आ जाती है, इसका मतलब कि पांडास आपके पास इंस्टॉल है। तो अगर तो इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है तो आप जैसे इसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर आप इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं एक दफा यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ पर पांडास इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पर पिप शो पांडास लिखकर अपनी इस लाइब्रेरी को चेक कर लेता हूँ कि क्या पांडास मेरे पास सिस्टम में इंस्टॉल है। मैं जानता हूँ कि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए मैं जैसे इसको चेक कर रहा हूँ एक वेरिफिकेशन के लिए कि क्या मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस डिस्क्रिप्शन इसकी आ गई है, इस नेम पांडास लिखा है, इसका वर्जन आ गया, समरी आ गई है। तो अगर इस तरह से आपके पास पूरी की पूरी एक डिस्क्राइब ये करके दिखा देगा अगर आपके पास पांडास इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये कमांड में आपको एरर आ जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इस तरह से हम नंपाई को भी चेक कर सकते हैं, इस तरह हम स्ट्रीमलेट को भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक कमांड है सिंपल जो कि इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है कि इंस्टॉलेशन हमारी किसी भी लाइब्रेरी की हमारे सिस्टम में है या नहीं है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास एक टॉपिक आता है सीरीज। अब जब हम पांडास की बात करते हैं तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली क्लासेस में हमने अरेज को डिस्कस किया था, और जब हमने नंपाई की लाइब्रेरी को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था कि जो नंपाई की लाइब्रेरी है, नंपाई के अंदर एक ही तरह का डाटा होता है जिसको हम डील करते हैं, उसका नाम होता है अरेज। तो हमने नंपाई के अंदर नंपाई की लाइब्रेरी को यूज करते हुए अरेज को क्रिएट किया, अरेज की सब रूटीन्स देखी, उसकी क्रिएशन रूटीन्स देखी, अरे के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, दो अरेज की मैनिपुलेशन की। तो ये सारा का सारा काम जो नंपाई की लाइब्रेरी को यूज करते हुए किया जा रहा था, वो सारा अरेज पे किया जा रहा था, यानी सारा का सारा काम हम अरेज पे परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम पांडास को यूज करते हैं तो पांडास के अंदर हम किसी भी डाटा को जब लेकर आते हैं तो वो डाटा दो तरह के यूनिट्स में हमारे पास अवेलेबल होता है। या तो हमारे पास वो कोई सीरीज होती है,
या हमारे पास वो एक डाटा फ्रेम होता है। अभी हम फिलहाल के लिए सीरीज को डिस्कस करते हैं, आगे जाके हम डाटा फ्रेम्स के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो सीरीज हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास एक वन डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल लिस्ट है, अरे है, टपल है, या हमारे पास एक डिक्शनरी है, तो उसको जब हम वन डायमेंशनल हमारे पास किसी भी तरह का डाटा टाइप है, तो उसको जब हम पांडास के अंदर डील करना चाहते हैं, उसके ऊपर पांडास के ऑपरेशंस या फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसे हमें एक सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वन डायमेंशनल जितना भी डाटा है, चाहे वो लिस्ट हो, टपल्स हो, डिक्शनरी हो, उसको जब हम पांडास के थ्रू मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो फिर हम उसे सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो सीरीज सिंपली क्या है, एक हमारे पास पांडास के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें एक साइड पे उसके लेबल्स होते हैं और दूसरी साइड पे उसकी वैल्यूज होती हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, नंपाई और पांडास, और उसके बाद मेरी पहली एग्जाम्पल है कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने तीन नंबर स्टोर किए, 10, 20 और 30, और उसके बाद फिर मैंने एक फंक्शन लगाया पीडी। PD means pandas library, जो कि मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है इंपोर्ट करके पिछले स्टेप के अंदर, और वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट PD इसके अंदर स्टोर है। और उसके बाद मैंने इसकी एक क्लास यूज की है pandas library की, दैट इज सीरीज। ये कैपिटल S का मतलब है कि यहाँ पर ये क्लास है। तो मैंने pandas की क्लास यूज की PD स्टोर सीरीज, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर में एक पास कर दिया कि डाटा इज इक्वल टू माई लिस्ट। ठीक है, तो ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई थी, इस लिस्ट को मैंने एज अ पैरामीटर इसके अंदर पास कर दिया। तो जब मैंने इस यहाँ पर इसको पास किया, तो क्या हुआ कि मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट एक सीरीज में कन्वर्ट हो गई है, और इस तरह से मेरे पास आउटपुट आया। तो अभी के जैसा हमने देखा था कि हमारे पास सीरीज एक कॉलम्स होती है जिसके अंदर एक साइड पे हमारे पास सारे के सारे लेबल्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यूज होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट जो हमारे पास थी वो एक सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है, और उसकी जो विजुअलाइजेशन है, यानी वो जो डाटा है, वो हमारे पास एक कॉलम्स की फॉर्म में शो हो रहा है। तो 10, 20, 30 ये हमारे पास कॉलम वैल्यूज हैं, और एक साइड पे उसके इंडेक्सेस आ गई हैं, जैसे कि हमारे पास लिस्ट में इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2। तो ये हमारे पास एक सीरीज होती है। अब पांडास के जितने भी मेथड्स हैं या जितने भी उसके ऑपरेशंस हैं, वो इस सीरीज पे अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो लिहाजा जब भी हमारे पास वन डायमेंशनल डाटा होगा, तो हम उसको सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम उस पर डाटा एनालिसिस करने के लिए पांडास के फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कि लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट बना ली लेबल्स की, और लेबल्स की लिस्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पांडास के वही सीरीज का मेथड कॉल किया, और उसमें मैंने डाटा की जगह तो पहले की तरह माई लिस्ट पास कर दिया कि मेरे लिस्ट को एक सीरीज में कन्वर्ट करे, और उसके बाद मैंने एक और पैरामीटर यहाँ पर पास किया, दैट इज इंडेक्स, और इस इंडेक्स के आगे मैंने जो इस इंडेक्स में स्टोर करवाया है वो एक लिस्ट ऑफ ए बी सी, ये वाली जो एक लिस्ट ऑफ लेबल्स है ये मैंने इंडेक्स के पैरामीटर में पास कर दिया। तो अब होगा ये कि इस केस में मेरे पास जो लिस्ट का डाटा था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डाटा, इस डाटा को पकड़ के मेरे पास सीरीज में कन्वर्ट कर देगा, जो इसने कर भी दिया 10, 20 और 30, और जो इंडेक्स का लेबल है, ये वाला इंडेक्सेस का जो मैंने एक लेबल्स पास किए हैं इसके अंदर, और इन लेबल्स की लिस्ट में ए बी और सी है, इन ए बी और सी को इस तरह से हमारे पास लेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीरीज के अंदर जिस तरह लिस्ट में हम बाउंड होते थे कि हमारे पास जितने भी इंडेक्सेस होते थे वो 0, 1, 2, 3 इस तरह कंसेक्यूटिव नंबर्स के यूज किया जाते थे उसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है कि हमारे जो इंडेक्सेस होंगे वो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होंगे। हम अपने इंडेक्सेस को ए बी सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या अपनी मर्जी के डिजायर्ड इंडेक्स भी हम दे सकते हैं। तो सीरीज के अंदर एक बेनिफिट आपको ये नजर आ रहा है कि आप यहाँ पे इंडेक्स का एक पैरामीटर दें, और जितने भी आपके सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्सेस आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें, या तो किसी लिस्ट में स्पेसिफाई कर दें, उस लिस्ट को पास कर दें, या आप यहाँ पर ही एक लिस्ट पास कर दें ए बी सी डी एक्स वाई जी, जो भी इंडेक्सेस आप पास करेंगे वो इंडेक्सेस हमारे पास सीरीज के इंडेक्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी सीरीज से डाटा एक्सेस किया जाएगा, तो इन इंडेक्सेस को यूज किया जाएगा ए बी और सी को, इसी तरह से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सीरीज का एडवांटेज है कि हम इसमें इंडेक्स चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नंपाई की एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक अरे बनाया नंपाई को यूज करते हुए, अब हमने उस अरे को सीरीज में कन्वर्ट किया, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो अरे है वो सीरीज में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने लिस्ट को भी अरे सीरीज में कन्वर्ट करके देख लिया, और एक अरे को भी सीरीज में कन्वर्ट करके देख लिया। देन फिर आगे एक एग्जांपल है कि मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने डिफरेंट की वैल्यूज रखी है ए बी और सी, और उनको मैंने जब एक सीरीज में कन्वर्ट किया, तो वो जो डिक्शनरीज की कीज थी मेरे पास वो मेरे लेबल्स बन गए, जैसे यहाँ पर ए बन गया, यहाँ पर बी बन गया, और यहाँ पर सी बन गया। इसी तरह से
डिक्शनरीज की जो मेरे पास वैल्यूज थी वो मेरे पास उस सीरीज की क्या हो गई, कॉलम वैल्यूज बन गई। तो हम एक डिक्शनरी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन की एक सीरीज बनाई हुई है, तो वो बिल्ट इन फंक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक हमारे पास सीरीज बन गई। अच्छा, यहां तक आपने डिफरेंट सीरीज के मेथड्स को, कि सीरीज को हम किस तरह से बना सकते हैं, लिस्ट के थ्रू, एक हम सीरीज को डिक्शनरीज के थ्रू बना सकते हैं, अरे के थ्रू बना सकते हैं, ये हमने यहाँ तक सीख लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है कि मैंने एक लिस्ट पास की 1, 2, 3, 4 और इस लिस्ट के लिए मैंने एक इंडेक्स पास कर दिया है यूएसए, जर्मनी, यूएसएसआर और जापान। अब मेरे पास एक फोर वैल्यूज की लिस्ट में एक सीरीज बनाएगा 1, 2, 3, 4 जो उसने यहाँ पर बना भी दिया, और उनके जो इंडेक्सेज हैं वो वही सेट कर देगा जो मैंने यहाँ पर सेट किए हैं, यानी यूएसए, जर्मनी, यूएसएसआर और जापान, ये इसने सेट कर दिए। इसी तरह से मैंने एक दूसरी लिस्ट बनाई, जो सॉरी मैंने सीरीज बनाई SR2 के नाम से, और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रखी 1, 2, 5, 4 और इसके भी मैंने कुछ इंडेक्सेस रख दिए यूएसए, जर्मनी, इटली और जापान, और ये इसने यहाँ पर PD.Series के मेथड ने ये मेरे पास एक सीरीज यहाँ पर बना दी। अब जब मैं किसी भी सीरीज से कोई भी एलिमेंट एक्सेस करूंगा, मैं लिखता हूँ सीरीज वन से यूएस की ए की जो इंडेक्स है इसके ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है मुझे लाकर दिखाओ, तो वो मुझे लाकर दिखा देगा कि इसके ऊपर 1 पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो यूएसए की सीरीज है यानी यूएसए का इंडेक्स है, इसकी जो सीरीज के अंदर यूएसए के इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो मेरे पास 1 है सीरीज 1 के अंदर। सीरीज 2 के अंदर भी यूएसए के ऊपर 1 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ सीरीज 1 प्लस सीरीज 2, अब सीरीज 1 तो मेरे पास ये है जो कि आप देख सकते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई है, और सीरीज 2 मेरे पास ये है। अब इसके अंदर कुछ इंडेक्सेस ऐसे हैं जो सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, जर्मनी आ रहा है दोनों जगह, इटली दोनों जगह नहीं आ रहा, और यूएसएसआर भी दोनों जगह नहीं आ रहा, और जापान भी हमारे पास दोनों जगह यहाँ पर मौजूद है। तो जो के इंडेक्सेस पहली सीरीज में और दूसरी सीरीज में सेम है उनकी वैल्यूज एड अप हो जाएंगी और हमारे पास एक न्यू सीरीज बन जाएगी, और जो इंडेक्सेस दोनों सीरीज में मौजूद नहीं है उनकी वैल्यूज एड अप नहीं होंगी और वहां पर किसी किस्म की भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम दो सीरीज को ऐड करेंगे SR1 प्लस SR2, तो यहाँ पर यूएसए इस सीरीज से और इस सीरीज से ऐड होगा, तो यूएसए के दोनों इंडेक्सेस की वैल्यू ऐड होगी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यूएसए के अगेंस्ट यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 2.0 होगी, यानी 1 और 1 दोनों को ऐड करके उसने 2.0 बना दिया। यहाँ 2.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि सीरीज की जो बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप होती है वो फ्लोट 64 होती है, ये फ्लोट के केस में डाटा को स्टोर कर रहा होता है, यानी इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो फ्लोट होती हैं। तो यहाँ पर उसने दोनों को ऐड कर दिया। अब उसके बाद जब हमने जर्मनी को देखा तो जर्मनी की भी दो वैल्यूज उसने ऐड करके दोनों सीरीज की उसके आगे मेरे कैलकुलेशन का जो भी आंसर था वो उसने शो कर दिया। इटली के अगेंस्ट एक सीरीज में वैल्यूज थी, दूसरी सीरीज में वैल्यू नहीं थी, तो इटली के लिए चूंकि कोई भी इंडेक्स नहीं मिला जिसपे उसको ऐड किया जाए, तो यहाँ पर एक NAN वैल्यू ऐड कर दी गई है। NAN स्टैंड्स पर होता है नल वैल्यूज, ये नन वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर नल वैल्यूज एक ऐड कर दी गई है जो कि ये बता रही है कि इटली के इंडेक्स का कोई भी एलिमेंट वो दूसरी जगह पर नहीं हमारे पास मिला, लिहाजा उसको किसी में ऐड नहीं किया गया। इसी तरह से यूएसएसआर के नाम से भी कोई नहीं मिला, वो एक सीरीज में था दूसरी में नहीं था, तो वहां पर भी एक नल वैल्यूज ऐड कर दी गई। तो जब भी हम दो सीरीज को ऐड करते हैं, यहाँ हमने देखा, यहाँ हमने ये सीखा है कि जब भी हम दो सीरीज को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास इंडेक्सेस एक सीरीज में होते हैं और जो इंडेक्सेस दूसरी सीरीज में होते हैं, और वो दोनों इंडेक्सेस जहां जहां मैच कर रहे होते हैं उनकी वैल्यूज तो ऐड हो जाती हैं, और जहां जहां मैच नहीं कर रहे होते वो तमाम इंडेक्सेस की जगह नल वैल्यूज पुट कर दी जाती हैं। तो इस तरह से ये सीरीज का कंसेप्ट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं डाटा फ्रेम्स पे। अब डाटा फ्रेम्स क्या होते हैं? डाटा फ्रेम जिस तरह से अभी हमने सीरीज को देखा था कि सीरीज एक वन डायमेंशनल कॉलम होता है हमारे पास पांडास डाटा फ्रेम में, डाटा फ्रेम्स क्या होते हैं? डाटा फ्रेम्स हमारे पास जस्ट लाइक अ टू डायमेंशनल टेबल, एक टू डायमेंशनल टेबल डाटा फ्रेम का नाम हम उसे देते हैं कि पांडास के अंदर जब हमारे पास टू डायमेंशनल डाटा हो तो उस केस में जब हम उसको पांडास के अंदर लेकर आएंगे वो टू डायमेंशनल लिस्ट हो सकती है, टू डायमेंशनल हमारे पास टपल हो सकती है, टू डायमेंशनल डिक्शनरी हो सकती है, या मल्टी डायमेंशनल डाटा जो कि एक से ज्यादा जिसकी डायमेंशन है। नॉर्मली हम यहाँ पर टू डायमेंशन ही यूज करते हैं, तो चाहे वो एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, चाहे वो डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट है, चाहे वो एक टपल है, या टू डायमेंशनल अगर हमारे पास डाटा हो तो उसको अगर हमने कन्वर्ट करना हो, पांडास के अंदर लेकर आना हो या पांडास के ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करने हो, तो हमें उसको टू डायमेंशनल डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो यहाँ पर डाटा फ्रेम टू डिमेंशनल डाटा के लिए होता है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल लिया, मैंने एक सिंपल डिक्शनरी बना दी। इस डिक्शनरी के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई है, डिफरेंट लिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो डाटा है इसकी नोयत यहाँ पर टू डायमेंशनल हो गई है। कैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने की बनाई इस डिक्शनरी स्टूडेंट्स के अंदर रोल नंबर, और इस की के अगेंस्ट मैंने एक वैल्यू स्टोर नहीं की बल्कि पूरी की पूरी लोड नंबर की लिस्ट मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर ये टू डायमेंशनल बन गया कि एक मेरे पास लिस्ट डिक्शनरी है सबसे आउटर लेवल पे, और इनर लेवल पर मेरे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट है। तो डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट है जो कि टू डायमेंशनल यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से मैंने एक नेम की बनाई और उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ नेम्स स्टोर करवा दी। मैंने सब्जेक्ट की बनाई इस तरह से, उसके अंदर मैंने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की लिस्ट स्टोर करवा दी। और इसी तरह से मैंने एक मार्क्स की बनाई और उस मार्क्स की के अंदर मैंने पूरे के पूरे मार्क्स की डिटेल स्टोर करवा दी। यहाँ पर यह बात बहुत ज्यादा अहम है और याद रखने वाली है कि आपकी जितनी भी रोल नंबर की कीज हैं उनके अगेंस्ट आपने जितनी भी वैल्यू स्टोर करवाई है, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, उनके अगेंस्ट भी उतनी ही वैल्यूज आपने स्टोर करवानी है। यानी अगर मैंने 5 रोल नंबर स्टोर करवाए हैं तो नेम के अगेंस्ट भी 5 वैल्यूज होने चाहिए, सब्जेक्ट के अगेंस्ट भी, मार्क्स के अगेंस्ट भी। वरना जब आप इसको डाटा फ्रेम में लेकर जाएंगे तो डाटा फ्रेम का कोई एक सेल ऐसा होगा जो खाली हो जाएगा या एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसकी वजह से डाटा फ्रेम क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई, और डिक्शनरी बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पांडास की लाइब्रेरी से पीडी डॉट डाटा फ्रेम ये मैंने क्या किया, एक मेथड कॉल किया, और इस मेथड कॉल करने के बाद मैंने ये पूरी की पूरी डिक्शनरी इसके अंदर पास कर दी। तो जैसे ही मैंने ये डिक्शनरी इसके अंदर पास की और मैंने कहा कि जब पांडास डॉट डाटा फ्रेम, ये डाटा फ्रेम एक क्लास है जो कि क्या पांडास की है, और ये किसी भी डिक्शनरी को टू डिमेंशनल डाटा को हमारे पास डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करती है। तो कन्वर्ट करने के बाद इसने जो पूरा का पूरा एक टेबुलर डाटा बनाया वो सारा हमने डीएफ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। और जब मैंने इस डीएफ वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया तो आप ये देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव किस्म का मेरे पास एक खूबसूरत सा टेबल बन गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो जो हमने डिक्शनरी में कीज बनाई थी वो सारी की सारी कीज यहाँ पर कॉलम्स बन गए हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने इन तमाम की तमाम रोज को एक लेबल दे दिया है, 0, 1, 2, 3, 4 सोन, इस तरह कंसेक्टिव इंडेक्सेस के साथ। तो जो हमने कीज डिक्शनरी में बनाई थी वो हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स बन जाते हैं डाटा फ्रेम में, और जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस उनको वो रोज बना देता है 0, 1, 2, 3, 4। हम इन इंडेक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं, ये आगे वाले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर अगर हमने एक डाटा फ्रेम तो बना लिया, आप इस डाटा फ्रेम के अंदर जब भी हमने कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो एक बात आप याद रखें यहाँ पर कि जैसे हमने ये पहले भी स्टडी किया हुआ है कि जब भी हमारे पास टू डायमेंशनल अरे होती है या टू डायमेंशनल हमारे पास लिस्ट होती है तो वहां पर किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, चाहे टू डायमेंशनल अरे ही हो, तो वहां पर हम किसी भी एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए टू इंडेक्सेस का यूज करते हैं। एक वैल्यू उसकी रो को स्पेसिफाई कर रही होती है जहां पर वो वैल्यू होती है, और एक दूसरी वैल्यू उसके कॉलम को स्पेसिफाई कर रही होती है कि वो वैल्यू किस कॉलम में आ रही है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास अब टू डायमेंशनल का केस है, यहाँ पर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं इस पूरे के पूरे टेबल में, तो अगर मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करनी है, लेट सपोज मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस पूरे के पूरे टेबल से, तो मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस कॉलम में आ रही है, और साथ साथ मुझे ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस रो में आ रही है, तब मैं इस पूरे के पूरे वैल्यू को एक्सेस कर सकूंगा। तो ये सेम कंसेप्ट है जैसे कि हम अरेज में पढ़ते थे 2D अरेज के अंदर, मैट्रिसेस के अंदर, कि हमने रोज को स्पेसिफाई करना है और कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है। ये कंसेप्ट भी यहाँ पर एज इट इज इसी तरह से इस्तेमाल होता है। तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा डीएफ और उसके आगे मैं नेम लिखूंगा, तो आप ये देख रहे हैं कि नेम मेरे पास ये कॉलम है, तो इस नेम के अगेंस्ट ये सारी वैल्यू स्टोर है, अली है, अहमद है, उमर है, जुबैर है, तैयब है, तो ये सारे के सारे नेम आपके पास इस तरह से एक्सेस होके आ जाएंगे। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नेम भी एक्सेस हो जाए, सब्जेक्ट भी एक्सेस हो जाए, यानी एक से ज्यादा कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 2D इंडेक्सेस को यूज करेंगे। आप इस तरह से डबल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे डाटा फ्रेम का नाम, उसके बाद डबल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की, और डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वो कॉलम्स स्पेसिफाई करना शुरू कर देना जिन कॉलम्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया, फिर मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया, आगे कोमा सेपरेटेड लगा के मैं कोई और कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ जिनको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे तो उसके लिए मुझे डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उस केस में मेरे पास वो सारे के सारे कॉलम्स, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारे के सारे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सेस होके आ गए हैं।
तो उसके बाद आते हैं कि अगर हमने डाटा फ्रेम के अंदर एक न्यू कॉलम क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। लेट सपोज मैंने इन तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी है, मेरे पास जो तमाम स्टूडेंट्स हैं मैं चाहता हूँ कि इनके मार्क्स की परसेंटेज निकाले, और मेरे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 है, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि 200 में से जो 80 वाला है इसकी कितनी परसेंटेज है, 87 वाले की कितनी परसेंटेज है, 67 वाले की कितनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक डाटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम स्पेसिफाई करता हूँ कि df और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने लगा के परसेंटेज स्पेसिफाई किया। अब ये परसेंटेज वो कॉलम है जो डाटा फ्रेम में पहले मौजूद नहीं है, तो मैंने एक न्यू कॉलम स्पेसिफाई किया कि df परसेंटेज के डाटा फ्रेम के अंदर एक परसेंटेज के नाम का कॉलम बनाए, और उस कॉलम में क्या वैल्यूज डालेगा, उस कॉलम में वैल्यूज डालेगा इक्वल टू करके मैंने कहा कि डाटा फ्रेम के अंदर जो मार्क्स की वैल्यू है वो सारी वैल्यूज उस कॉलम से उठाए और उसको डिवाइड कर दे 200 से, जैसा कि मैंने बताया था कि 200 टोटल वैल्यूज है यानी हमारे टोटल मार्क्स हैं, और फिर मैंने कहा कि उसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से। ये सिंपल मैंने हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला लगाया जो आप जानते हैं, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फार्मूला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद जो भी वैल्यूज आएगी वो इस परसेंटेज कॉलम में स्टोर हो जाएगी। अब होगा ये कि डाटा फ्रेम के अंदर मार्क्स की एक एक वैल्यू उठाएगा, उसको 200 से डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज के पहले वाली रो में स्टोर करवा देगा। इसी तरह फिर दूसरी रो से वैल्यू उठाएगा मार्क्स की, उसके परसेंटेज निकालेगा और वो परसेंटेज की दूसरी रो में स्टोर करवा देगा। इस तरह से जब मैंने इस डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करवाया नीचे वाली लाइन में, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड हो गया और इस न्यू कॉलम के अंदर हर एक मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग स्टोर हो गई है। तो इस तरह से ये बड़ी आसानी से हम किसी भी दो कॉलम्स या तीन कॉलम्स की मैनिपुलेशन करके किसी भी फार्मूला के थ्रू एक नया कॉलम भी डाटा फ्रेम के अंदर ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिमूविंग कॉलम्स पे। तो यहाँ तो हमने देखा कि एक डाटा फ्रेम के अंदर हम एक न्यू कॉलम किस तरह से ऐड करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई कॉलम रिमूव करना हो डाटा फ्रेम में तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो डाटा फ्रेम के अंदर कोई कॉलम हमने रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर सिंपली एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर हमने कोई कॉलम डाटा फ्रेम के अंदर से रिमूव करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो ड्रॉप करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा df.drop, और मैं इसके अंदर से परसेंटेज ड्रॉप जो भी कॉलम में ड्रॉप करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ड्रॉप के अंदर मैंने पास किया परसेंटेज, और परसेंटेज में मैंने कोमा लगा के एक चीज ये लाजमी मुझे पास करनी होती है, दैट इज एक्सिस इक्वल टू 1। अब ये जो एक्सिस की वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट 0 होती है। 0 का मतलब कि बाय डिफॉल्ट जिस भी चीज को ड्रॉप करेगा वो एक रो से ड्रॉप करेगा। तो जब हमने ये बताना हो उसे कि जब हम कोई चीज ड्रॉप करना चाहते हैं और वो कॉलम से ड्रॉप करना चाहते हैं कोई पूरे का पूरा कॉलम, तो एक्सिस की वैल्यू हमें यहाँ 1 देनी पड़ती है। 1 से क्या होगा कि जब भी वो ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा तो इस परसेंटेज के नाम को वो कॉलम्स के अंदर ढूंढेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, इन कॉलम्स को देखेगा और यहाँ पर परसेंटेज के नाम को ढूंढेगा जो कि उसे यहाँ पर पिछले डाटा फ्रेम में हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल टू 1 पास नहीं करते तो हमारे पास यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि वो रोज को देखेगा और रोज के अंदर उसे कोई भी परसेंटेज का नाम का कोई भी रो उस इंडेक्स से नहीं मिल रही। तो लिहाजा हम यहाँ पर ड्रॉप स्पेसिफाई करते हैं, जैसे ही मैंने ड्रॉप स्पेसिफाई किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज के नाम का कॉलम ड्रॉप हो गया। यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने वाली है, वो ये कि जब भी हम ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं डाटा फ्रेम में तो ड्रॉप किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को टेम्परेरली रिमूव करता है, ये कभी भी डाटा फ्रेम के अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉप लगा के और यहाँ से परसेंटेज का कॉलम ड्रॉप किया है, लेकिन जब मैं डाटा फ्रेम को प्रिंट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास परसेंटेज का कॉलम यहाँ पर दोबारा नजर आ रहा है। इसका मतलब कि ये टेम्परेरली इसने ड्रॉप किया है, और टेम्परेरली ड्रॉप करके मुझे जो एक डाटा फ्रेम है क्लीन डाटा फ्रेम वो मुझे यहाँ पर रिटर्न किया है, लेकिन एक्चुअल के अंदर डाटा फ्रेम के में परसेंटेज का कॉलम अभी भी मौजूद है। ये इसलिए ये सिस्टम रखा गया है, ये फंक्शनैलिटी इसलिए रखी गई है कि अगर कोई भी डेवलपर गलती से कोई कॉलम या कोई रो डिलीट कर दे जो डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उस डाटा को हम दोबारा डाटा फ्रेम से वापस लेके आ सके पिछले डाटा फ्रेम से। अगर आप इसके अंदर परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये परसेंटेज का कॉलम परमानेंट डाटा फ्रेम से खत्म हो जाए, तो फिर उसके लिए एक पैरामीटर होता है, दैट इज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का पैरामीटर इसी ड्रॉप के आगे यहाँ पर पास कर देते हैं, कॉमा लगा के इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू पास कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो चेंजेस होती हैं वो डाटा फ्रेम पर परमानेंट अप्लाई हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल भी आगे दी होगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा है कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर df drop percentage और x इज इक्वल टू मैंने 1 पास किया, और आगे मैंने एक
पैरामीटर और पास कर दिया इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब जो इसमें चेंजेस होगी डाटा फ्रेम में वो टेम्परेरी नहीं होंगी, वो परमानेंट होंगी। अब जब मैं डीएफ को दोबारा प्रिंट करूं तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी परसेंटेज का कॉलम नहीं आएगा। तो परमानेंट चेंजेस के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो चेंजेस होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, ताकि अगर किसी वजह से हमने गलती से कोई चेंज कर दिया या कोई डाटा हमसे ड्रॉप हो गया जो इम्पोर्टेंट था, तो उसको हम पुराने वेरिएबल से दोबारा वापस लेके आ सकें। ठीक है, तो ये उसके बाद ये तो हमने ड्रॉप देखा कि हम किस तरह से किसी कॉलम को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद था हमारा कि हम किस तरह से किसी रो को ड्रॉप करते हैं। तो मैंने जिस तरह से यहाँ पर बताया था कि हमारे पास एक्सिस चूंकि जीरो होता है रो के लिए और वन होता है कॉलम के लिए, तो मैंने यहाँ पर रो का इंडेक्स स्पेसिफाई किया और फिर मैंने स्पेसिफाई किया एक्सिस इक्वल टू जीरो होगा। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस स्पेसिफाई ना भी करूँ फिर भी मेरे पास ये कमांड चल जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया है कि एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है। तो उसने एक्सिस जीरो को देखते हुए रो में ढूंढना शुरू किया कि टू इंडेक्स की रो कौन सी है, और जब उसको टू इंडेक्स की रो मिल गई तो उसने टू इंडेक्स की रो को डिलीट कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टू इंडेक्सेस की रो इस डाटा फ्रेम से जो हमारे पास ड्रॉप करने के बाद आया है इसके अंदर ये खत्म हो चुकी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं डाटा फ्रेम के। उसके बाद एक लास्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं फिर अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, वो है कि अगर हमने अपने डेटाबेस में से कोई एक स्पेसिफिक कॉलम या रो या हमने एक पूरे के पूरे डाटा फ्रेम में से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू एक्सेस करनी हो तो हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। अब उसके लिए हमने ये तो देखा था कि हम डाटा फ्रेम के अंदर से एक कॉलम को किस तरह से एक्सेस करते हैं। उसका बड़ा सिंपल तरीका था कि हम डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स के नाम लिख देते थे ब्रैकेट्स लगा के। सिंगल कॉलम को एक्सेस करना है तो हम इस तरह से यूज कर लेते थे, डबल कॉलम्स मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है तो हम डाटा फ्रेम का नाम लिख के इस तरह से एक्सेस कर लेते थे। अगर हमने डाटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट रोज को एक्सेस करना है, कॉलम्स को एक्सेस नहीं करना, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो रोज या कॉलम दोनों को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास। उनमें से एक मेथड है जिसे हम कहते हैं लोकेट मेथड, LOCAT, लोकेट मेथड, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जिसके तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं वो है LOC, लॉक। ठीक है, अब वो हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक df लिख के मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगाई डॉट सेट इंडेक्स। ये सेट इंडेक्स की स्टेटमेंट क्या करती है कि ये हमारा इंडेक्स जो है वो चेंज कर देगी। वो चेंज कैसे करेगी, मैंने ये बता दिया कि अब जो मेरा इंडेक्स होगा df डॉट सेट इंडेक्स के डाटा फ्रेम के अंदर जो इंडेक्स है उसको सेट कर दो। क्या सेट करो, रोल नंबर का कॉलम, कि रोल नंबर का कॉलम है उसकी सारी वैल्यू उसको पकड़ के इंडेक्स के तौर पर आप यूज करो, जो कि पहले इंडेक्स यूज हो रहे थे जैसे कि आप ये देख रहे हैं 0, 1, 3, 4, ये पहले हमारे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स थे, इसको अब यूज नहीं करेगा, वो अब यूज करेगा रोल नंबर के इंडेक्सेस को। और मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दिया ताकि ये चेंजेस क्या हो जाए, परमानेंटली अप्लाई हो जाए। तो ये होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो इंडेक्स है ना वो सारे 1, 2, 3, 4 सेट हो गए हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि थोड़े से बोल्ड भी शो हो रहे होंगे, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा होगा कि आप ये जो इंडेक्सेस है ये 1, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 4 ये इंडेक्स सेट हो गए हैं हर रो के। इसका फायदा ये होगा कि अब मैं किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर के अकॉर्डिंग या किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर को यूज करते हुए उसके पूरे का पूरा रिकॉर्ड मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर df डॉट लॉक का एक मेथड लगाया और उसमें मैंने बताया कि मुझे स्टार्टिंग वैल्यू 102 से स्टार्ट करे और कॉलन लगा के मैंने बताया कि 104 तक मुझे वैल्यू दिखा दे। तो यहाँ पर चूंकि ये एक मैंने स्लाइसिंग का कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या कर रहा है कि 102 से लेकर 104 तक के तमाम कॉलम्स जितने भी हैं मेरी तमाम रोज जो भी उस इंडेक्सेस की रेंज में आ रही है वो सारी मुझे ला के दिखा रहे हैं। तो उसने मुझे 102 ला के दिखा दी, 103 ला के दिखा दी, 104 ला के दिखा दी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि जब हम स्लाइसिंग लिस्ट में करते थे तो वहां पर तो एंडिंग वैल्यू से पहले वाली जो वैल्यू है वो आती थी, एंडिंग वैल्यू तक नहीं आता था। जी बिल्कुल, आपका यहाँ पर जो राय है वो बिल्कुल ठीक है। चूंकि हम यहाँ पर लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो लॉक के अंदर स्लाइसिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरह से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट होती है उसके अंदर एंडिंग वैल्यू भी शामिल होती है, तो यहाँ पर इसलिए इसने 104 दिखा दिया। तो इस तरह से हम किसी भी रो को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ होता है कि हम एक मेथड होता है जिसका नाम होता है आईलॉक। आईलॉक स्टैंड फॉर होता है इंडेक्स लोकेट। तो अगर हमने हमें ये वाले जो इंडेक्सेस आप देख रहे हैं नेम सब्जेक्ट और मार्क्स जो कि कॉलम इंडेक्सेस हैं और रो के आप इंडेक्सेस 102, 103 और 104 देख रहे हैं, अगर आपने इनके थ्रू डाटा एक्सेस नहीं करना, आप चाहते हैं कि मैं
कॉलम्स को और रोज को बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस के थ्रू, जो पहले इसके बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं उनके थ्रू मैं एक्सेस करूं। जैसे बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस कौन से हैं, ये वाले 0, 1, 2, 3 इसके बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं, और इसके क्या हैं, इसके बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस होंगे ये वाला 0 होगा, ये वाला 1 होगा, ये वाला 2 होगा या 3 होगा, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस है। ये जो रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, ये तो हमने मैपिंग की है इंडेक्स पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके 0, 1, 2, 3 इंडेक्स होंगे, जैसे इसके बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 इंडेक्स हैं। तो अगर मैं उनको यूज करना चाहता हूं तो मैं आई लॉक को इस्तेमाल करता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा आई लॉक, और आई लॉक के थ्रू मैंने यहां पे लिखा 2 से लेकर 5 तक जो भी इंडेक्सेस हैं वो मुझे दिखा दे। तो उसने 2 से लेकर 5 तक जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस थे उनके मुताबिक मुझे वो तमाम रोज दिखा दी। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो है वो सिलेक्टिंग रोज यूजिंग आई लॉक मेथड हमने डिस्कस किया, और आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो आई थिंक यहाँ तक हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पांडास को डिस्कस किया, सीरीज को देखा, डाटा फ्रेम्स को बनाना सीखा कि डाटा फ्रेम्स के डिफरेंट मेथड्स देखे कि उनको हम किस तरह से यूज करते हैं, और डाटा फ्रेम्स से भी डिफरेंट तरह के डाटा किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे, और मशीन लर्निंग की कौन कौन से डिफरेंट सब ब्रांचेस होती हैं, और उसके अंदर किस तरह से हम मॉडल्स को डेवलप करते हैं, उसका प्रोसेस फ्लो क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।